नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। नगरपालिका द्वारा सटई रोड में एक पार्क का निर्माण कराया गया है, जिसका लोकार्पण किया गया। यहां पर 101 वृक्षों को लगाने का एक वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह और पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह भी मौके पर मौजूद थे। इसके अलावा नगर के गणमान्य नागरिक भी यहाँ पर मौजूद रहे। सटई रोड पर गरीब बस्ती में ये पार्क बनाया गया है, जो कि छतरपुर का सबसे बड़ा पार्क होगा। बताया जा रहा है कि इस पार्क में मेडिटेशन सेंटर, जिम और बच्चों के लिए झूले आदि सहित अन्य व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। अमृत परियोजना के तहत इस पार्क का निर्माण यहां पर कराया गया है। ये हम लोगों ने यहाँ पे एक नवीन पार्क का निर्माण किया है, जो कि अमृत परियोजना के अंतर्गत इस पार्क का निर्माण हुआ है। और ये पार्क हमने सटई रोड की इन गरीब बस्तियों के बीच में इसलिए किया है कि गरीब बच्चों को भी इन पार्कों का आनंद मिले, क्योंकि पास कॉलोनियों में ही ये पार्क पहले बनाए जाते थे। और आज इसमें वृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया है। 101 वृक्ष आज हम सब लगा रहे हैं, जिसमें नगर पालिका के कर्मचारी, पार्षद और अन्य समाज के प्रतिष्ठित जन इसमें शामिल हैं। आप सब जानते हैं कि बुंदेलखंड में जिस तरीके से तापमान में वृद्धि हो रही है, बुंदेलखंड में जिस तरीके से पानी का स्तर नीचे जा रहा है, इस तरीके के आयोजन हम सब के लिए आवश्यक हैं। और ये वृहद वृक्षारोपण का आयोजन हम सब ने यहाँ पे किया है। ये छतरपुर का सबसे बड़ा पार्क है, और इस पार्क में हर वो व्यवस्था हम करने वाले हैं जो एक पार्क में बच्चों के खेलने के साथ साथ वृद्धों तक के लिए आवश्यक होती है। यहाँ पे मेडिटेशन सेंटर, यहाँ पे एक छोटी सी जिम, ये सब चीज़ें हम यहाँ पे खोलने के, बच्चों के लिए झूले, ये सब यहाँ पे हम बनाने वाले हैं। अभी यहाँ पे हरियाली और इसकी व्यवस्था की जा रही है, और अभी हमने इसको जनता के लिए खोला है, लोकार्पित किया है। खबर दिनभर में इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। छोटे छोटे नौनिहालों के लिए माता पिता के सामने सबसे बड़ी परेशानी तब जाती है जब वे हो जाते हैं स्कूल जाने लायक। सबसे बड़ी चिंता एक बेहतर स्कूल की, एक बेहतर वातावरण की, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए पढ़ाई महत्वपूर्ण नहीं है, वातावरण महत्वपूर्ण है। जी हां, इसी को देखकर यूरो किड्स की फ्रेंचाइजी लाई है पूरे देश में। यूरो किड्स यानी छोटे बच्चों के लिए एक बेहतर पाठशाला। क्लासरूम में बच्चों की भीड़ नहीं, बल्कि 10 बच्चों के ऊपर एक टीचर की व्यवस्था। बच्चों के लिए बेहतर वेंटिलेटेड एयर कूल्ड क्लासरूम, नॉन टॉक्सिक टॉयज और शैक्षणिक सामग्री। इसके अलावा उनके मनोरंजन के लिए पपिट थिएटर, लाइब्रेरी, जिम और योगा भी। सेफ, हेल्दी एंड हाइजेनिक एनवायरमेंट। स्कूल में चल रही बच्चों की गतिविधि की जानकारी के लिए रेगुलर पेरेंट्स टीचर मीटिंग, इसके अलावा डॉक्टर ऑन कॉल फैसिलिटी भी उपलब्ध। यूरोकिड्स आपके बच्चों को देता है साइंटिफिकली डिजाइन करिकुलम, जिसमें आपके बच्चे के माइंड, बॉडी और सोल का पूरा विकास बेहतर ढंग से हो सके। इन गर्मियों में अपने बच्चों को दीजिए फन समर का मजा। समर क्लब 2019 बच्चों के लिए पेंटिंग, क्राफ्ट वर्क, पूल डांस, जिम एंड योगा एक्सरसाइजेस फन वर्ल्ड के माध्यम से 1 मई से 15 मई 2019 समय सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो अपने नौनिहालों को दीजिए एक सुंदर जगह, एक सुरक्षित जगह। यूरो किड्स प्ले स्कूल बिहाइंड नंबर 1 स्कूल, हाउस नंबर 11, रामाजी नगर, छतरपुर।